नमस्कार, मैं हूं जटाशंकर सिंह। आइए देखते हैं मेट्रो इंडिया न्यूज, हर खबर पर खास नजर। सिंथेटिक एट आर्ट सिल्क मिल्स रिसर्च एसोसिएशन ससमिर का वार्षिक फैशन शो एचेट 2019 का शानदार आयोजन मुंबई के पवई स्थित होटल रेनेसंस में हुआ। ससमिर आज के प्रतिस्पर्धी बाजार में डिजाइन साक्षर मानव संसाधन पूल को बढ़ावा देने हेतु निरंतर प्रयास करता है। इस फैशन शो का प्रबंधन असीम सिंह, निर्देशन टेफला द्वारा किया गया, जो मुंबई का एक प्रसिद्ध इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप है। फैशन कलेक्शन 2019 का केंद्रीय विषय वांडरालस था। छात्रों ने अपने संग्रह को विभिन्न स्थानों से प्रेरणा लेकर यूज कपड़ों पर नए अंदाज में डिजाइन किया था। पेशेवर मॉडल न केवल रैंक पर चले बल्कि छात्रों को प्रेरित करने के लिए मशहूर हस्तियों के साथ साथ उद्योग जगत के कई नामचीन लोग मौजूद था। प्रोग्राम काफी अच्छा था और मैं काफी अमेज्ड हूँ ऐसे नए टैलेंट्स को देख के जिन्होंने अपनी प्रतिभा इतनी अच्छी दिखाई, जिनकी प्रतिभा मतलब काफी सराहनीय है। और जब ऐसे स्टूडेंट्स आपको ऐसे कलेक्शन दिखाते हैं तो इट्स एक सरप्राइज पैकेज होता है सबके लिए। एंड साल भर बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, टेक अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू एक अच्छा शो उनको बनाने में। मैं एज अ ऑर्गेनाइजर, टेफ्लास हमारी कंपनी है, हम एज अ ऑर्गेनाइजर प्रोवाइड करते हैं अच्छा प्लेटफॉर्म उनको, क्योंकि बेस्ट टू बेस्ट सुविधा उनको मिल पाए नहीं रही, तो वो हमारा काम है, हमारा छठा एसोसिएशन उनके साथ। प्रोग्राम को लेके ससमीरा और टेफ्ला स्पॉन्सर्ड इवेंट का प्रोग्राम था, बहुत अच्छा था, क्योंकि स्टूडेंट्स ने ये टाइम इतना मेहनत किया था, आई वुड से आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, जो स्टूडेंट्स की कैपेसिटी फैकल्टी ने उनकी टैलेंट को उभरने का चांस दिया है। गारमेंट्स, टेक्सटाइल्स, उनकी प्रिंटिंग, उनकी एम्ब्रॉयडरी, कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स वर ऑन द टॉप ऑफ द लाइन। तो एक बार ये है कि जब स्टूडेंट्स ग्रूम किए जाते हैं, our graduating students who participate in this fantastic fashion collection, they work hard every year and this is their final collection that they make. Both the textile designing as well as the fashion designing departments participate in it, and we work almost more than 6 months in developing this entire collection for all the students. We have as a robust fashion design course, both degree as well as diploma. We have textile designing course, we have apparel merchandising course, and we see to it that most of our students at the end of their course they get placement. इस बार हम लोगों का 17 कलेक्शन था, अराउंड 30 डिजाइनर्स पार्टिसिपेटेड दिस टाइम। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पूरा इंडिया में और बाहर में हम लोग क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, उनका जो टेक्सटाइल और कई सब चीजों का जो मास्टर क्राफ्ट्समैन है उनके साथ हम लोग उनका वर्कशॉप्स करवाते हैं और फैब्रिक वगैरह सब कुछ डेवलप करते हैं, फैब्रिक एम्ब्रॉयडरी सर्फेस ऑर्नामेंटेशन, वो दिमाग में रखते हुए वो लोग अपना फैशन कलेक्शन बनाते हैं। और हमेशा से हम ये कोशिश करते हैं कि बच्चों को अपने कंफर्ट जोन से थोड़ा सा बाहर धक्का देके कुछ नया करवा सके, इवन क्राफ्ट विजिट जो सर बोल रहे हैं, बाहर बच्चों को लेकर जाके वहाँ बैठा के सिखा के दिखा के, यू नो, वी ट्राई टू ट्रेन देम टू डू समथिंग विच इज आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, विच इज नॉट ऑर्डिनरी, विच इज नॉट समथिंग दैट दे विल डू रेगुलरली, सो दैट इज व्हाट वी ट्राई टू डू। जो हम देख रहे हैं वो उनके पूरे साल भर की मेहनत है, ससमीरा में उन्होंने जो भी सीखा है आज कल्मिनेट होके रैंक पे अनशर्ते के रूप में आता है। तो हम लोग 6 महीने से कर रहे हैं, उसके पीछे दिन रात घूम रहे हैं, मतलब छोटी छोटी चीज अप्रूवल लेना, एक टीम डिसाइड करना, उसके बाद इंस्पिरेशन ढूंढना उसमें से, फिर उसके ऊपर मूड क्रिएट करना, एक बड़ा प्रोसेस था उसके पीछे, जो एक्चुअली रैंक पे 3 मिनट में खत्म हो जाता है, बट उसके पीछे बहुत सब लोगों के, टीचर्स के एफर्ट्स, हमारे खुद के एफर्ट्स, और एक्चुअली बोलेंगे तो टेलर के एफर्ट्स जो स्टिच करता है, बिकॉज हम लोग तो डिजाइन कर देते बट उनके एफर्ट्स भी बहुत है उसमें। हमारा जो हमें
ब्रीफ दिया गया था इट वॉज वंडरलस्ट, तो हमें पूछा गया था कि थिंक ऑफ एनी थ्री प्लेसेस विच यू ड्रीम ऑफ विजिटिंग, तो हमने सोचा कि हम लोग क्या बोले, तो हमने अलग अलग आइडियाज है हमारे, स्नेहा का तीन ऑप्शन था, मेरा तीन ऑप्शन था, प्रियंका का तीन ऑप्शन था, तो इवेंचुअली सब फाइनलाइज होते थे, मसाई महाराज सिलेक्ट हुआ। तो इसके पीछे हम लोग ने काफी रिसर्च किया हम तीनों ने मिलके कि किस टाइप के कपड़े पहनते हैं वो लोग, व्हाट काइंड ऑफ एक्सेसरीज दे वेयर, व्हाट इज देयर वे ऑफ लाइफ। फिर वी वेंट फेब में शो कंसेप्चुअलाइजेशन चालू हुआ एंड इट टुक अस लाइक क्लोज टू 4 to 5 months टू मेक द कलेक्शन एंड वी वर गिवन प्रॉपर गाइडलाइंस, एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम द फैकल्टी साइड, उन्होंने सब हर स्टेज पर हमारी हेल्प किया कि कैसा होना चाहिए कलेक्शन, बोर्ड्स कैसे डेवलप करते। लास्ट डे बेस्ट डे रहा हमारा और इमेजिन नहीं किया था कि मिलेगा करके, लेकिन बहुत ही एकदम बेस्ट डे रहा, ये बेस्ट डे। और हम लोग ने स्ट्रीट वेयर पे किया था, हम लोग का इंस्पिरेशन रशिया का था, तो हम लोग ने मैम बहुत सपोर्ट की थी, बोली तुम लोग स्ट्रीट वेयर बनाओ, तो स्ट्रीट वेयर के लिए हम लोग का भी बेस्ट फैशन कलेक्शन का अवार्ड मिला। सर, ये इंस्टीट्यूट शोज जो होते हैं ये सारे बच्चे अपनी सारी क्रिएटिविटी इनको एक शो के एक कलेक्शन में इन्हें दिखानी रहती है, हमें 3 मिनट में हर कलेक्शन को कितनी अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सके, तो सारे बच्चों के साथ बैठ के होमवर्क किया गया कि कैसा म्यूजिक होगा, लाइनअप क्या होगा, सारे बच्चों ने ये बार का पूरा अलग सारे ऑल ओवर इन ऑल ओवर वर्ल्ड से सिटीज एंड कंट्रीज को लेके गारमेंट्स क्रिएट किए थे एंड इट वॉज वेरी डिफरेंट एंड फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, गारमेंट्स की वेरेबल थे एंड डेफिनेटली स्टूडेंट्स आर वेरी टैलेंटेड। एज अ मॉडल डेफिनेटली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, सारे डिजाइनर्स अमेजिंग थे, बहुत अच्छा लाइनअप था, गारमेंट्स वर रियली यूनिक, बहुत यूनिक गारमेंट्स, बहुत ही डिफरेंट फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूट्स, मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के किए हैं, बट आई थिंक बाय फार बहुत ही अच्छा कलेक्शन था।